वेलकम टू नहीद वॉइस। मैं हूँ शमा नहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको बताऊंगी कि मोटरवे पे हादसा कब, कहाँ और कैसे पेश आया और औरतें अपना डिफेंस कैसे कर सकती हैं, और बहुत सी हफाजती तदाबीर और मालूमाती बातें आपसे शेयर करूंगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारा चैनल नहीद वॉइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन कराम, इस केस ने मुख्तलिफ सवालात को जन्म दिया है। एक कौम की बेटी मोटरवे पर ट्रेवल करती है, उसकी गाड़ी में गैस या फ्यूल खत्म हो जाता है, कोई शख्स कोई महकमा उसकी मदद को नहीं पहुंचता। उस औरत ने मोटरवे पुलिस से मदद मांगी, उन्होंने उसे बताया कि ये इलाका मोटरवे की हदूद में नहीं आता। दोस्तों, उस जगह पर मुकीम पुलिस अफसरान को उस एरिया की पुलिस तक मैसेज जरूर पहुँचाना चाहिए था, लेकिन वो भी ना हो सका। इस हादसे को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट टाइम पुलिस को इस तरह के केस में बहुत सख्ती के साथ बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात रुक सके। नाज़रीन कराम, इस औरत का तल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस में ही जवान हुई, फ्रांस में ही शादी हुई। खावंद गुजरांवाला का रहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। ये पढ़ी लिखी बातमाद और समझदार औरत है। 8 सितंबर को अपने बच्चों के साथ लाहौर शॉपिंग के लिए गई, उसके बाद वालदा के घर चली गई। डिनर करने के बाद लेट नाइट लाहौर से गुजरांवाला की तरफ रवाना हुई। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था, ये आती जाती रहती थी। उसने सोचा कि वो रास्ते में जाते हुए फ्यूल डलवा लेगी, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया और गाड़ी पहले ही स्टॉप होगी। पहले उसने अपने कजन को कॉल की, उसके बाद उसने मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल कर दी कि वो लिंक रोड पर फ्यूल ना होने की वजह से फंसी हुई है। मोटरवे वालों ने उसे बताया कि ये इलाका मोटरवे की हदूद में नहीं आता, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, इस मोटरवे के करीब 3 गाँव आबाद हैं। इसके करान पेशा लोग आकर गाड़ियाँ लूटते रहते हैं। मोटरवे पुलिस को कॉल करने के बाद खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की। 2 घंटे गुजर गए, ना पुलिस आई और ना उसका कजन। सुनो, क्राइम पेशा लोग या डाकू 2 घंटे तक गाड़ी को वॉच करते रहे। जब कोई शख्स गाड़ी के करीब ना आया तो उन्होंने लूटने का फैसला किया। उन्होंने पिस्टल दिखाकर उस खातून को दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा ना खोला तो उन्होंने डंडा मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो खातून दौड़ पड़ी रोड की तरफ और गुजरती हुई गाड़ियों से हेल्प मांगती रही। किसी ने भी गाड़ी ना रोकी। एक गाड़ी वाले ने यह माजरा देखकर पुलिस को कॉल कर दी। नाज़रीन इकराम, डाकू ने पहले उसको लूटा, उसके बाद डाकू बच्चे उठाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। माँ थी, बच्चों को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ी। वो बच्चे छुड़ाने के लिए उनसे उलझती लड़ती रही, लेकिन बेरहमों को तरस न आया, वो बच्चों को जंगल की एक खाई मिलेगी। इस वाकया के आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने खून और शीशा टूटा देखा तो उन्होंने हवाई फायरिंग की। पुलिस टॉर्च लाइट के साथ जंगल में एंटर होगी। जब वो खाई के पास पहुंची तो देखा एक औरत अपने बच्चों को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ रखा था। कपड़े फटे और जिस्म पर खराश लगी हुई थी। एक पुलिस अहलकार खातून के पास बैठकर तसल्ली देने लगा। वो मान ही नहीं रही थी कि वो पुलिस है। वो पुलिस वालों से कह रही थी कि हमें ना मारें, हम किसी को भी आपके बारे में नहीं बताएंगे। पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे हम पुलिस अहलकार हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही थी। पुलिस वालों ने एक लेडी कांस्टेबल को बुला लिया और उसने आकर उस औरत को तसल्ली दी कि हम पुलिस वाले हैं। दोस्तों, मोटरवे पे रात के टाइम पर दर्जनों वारदातें होती हैं। शहरियों को गन पॉइंट पर और जदीद असले के साथ लूट लिया जाता है। नाज़रीन कराम, अब मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स और तरीके कि हम किस तरह अपना डिफेंस कर सकते हैं। नंबर 1, लेडीज स्कूल और कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लाजमी करार देनी चाहिए ताकि सोसाइटी बेहतर हो सके। नंबर 2, लेट नाइट औरतें बाहर ना निकलें। अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो अपना फोन ऑन रखें। नंबर 3, अपने पास हॉल्ट स्प्रे रखें, इसको पेपर स्प्रे भी कहते हैं। ये हर वक्त मेरी गाड़ी में होती है। मैं आपको इसकी खासियत बताती हूँ। ये स्प्रे इतनी सख्त और स्ट्रांग है, अगर ये स्प्रे मुंह पर या साइड पोज फेस पर मारी जाए तो बंदा कम्प्लीटली अपने होशो हवास और कंट्रोल खो देता है और इसका असर 1 घंटे से भी ज्यादा रहता है। और इस स्प्रे का बहुत हैवी प्रेशर है। ये प्रेशर 6 से 7 फुट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। नाज़रीन कराम, अब तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये सेल्फ डिफेंस स्प्रे आप ऑनलाइन अमेरिका से मंगवा सकते हैं। ये स्प्रे आपकी जिंदगी बदल देगी। इस स्प्रे से आप
बहुत अच्छी तरह अपना डिफेंस कर सकते हैं। नंबर 3, सुनो, अमेरिका में मोस्टली हर बंदे की कार में कैमरा होता है। कंपनी फ्री कैमराज इंस्टॉल करती है, हमें सिर्फ $3 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। ये प्राइवेट कंपनी की सर्विस है, पाकिस्तान भी ये सर्विस स्टार्ट कर सकता है। ये सेल्फ डिफेंस के लिए इंतहाई जरूरी और पायदार है। नंबर 4, अगर ट्रेवल के दौरान हमारी कार ब्रेक डाउन हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए या टायर ब्रस्ट हो जाए, कार में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर हम AAA को कॉल करें तो वो 10 टू 15 मिनट तक लोकेशन पर पहुंच जाती है। मैं इस सर्विस के लिए $20 पर ईयर पे करती हूँ, ओनली $1.50 पर मंथ। इसकी इंतहाई अच्छी सर्विस है और सेल्फ डिफेंस के लिए इंतहाई जरूरी है। 17 कंट्रीज इसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इसकी सर्विस यूज कर सकता है। खास तौर पर औरतों के लिए इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। नंबर 5, कॉमन सेंस। दोस्तों, फ्यू इयर्स गो मैं और मेरी फैमिली पाकिस्तान गए। जहाज ने रात 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। हमारे पास कुछ लगेजेस भी थे। हमारा घर एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव पर था। हमारे ड्राइवर ने मशवरा दिया कि इस टाइम पे उधर जाना मुनासिब नहीं है। इवन दो हम 5 बंदे थे, हमने एयरपोर्ट के करीब एक होटल में 7 घंटे का क्याम किया और सुबह 7 बजे हम उधर से निकल पड़े। नाज़रीन कराम, आपको बताने का मकसद ये था कि रात को हाईवेज और मोटरवेज अनसेफ हैं, हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में कानून है पर उस पर अमल दरामद नहीं है, हमें अपनी मदद आपके तहत अपना डिफेंस करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको शेयर करते करते अगर ये वीडियो ऐसे बंदे के हाथ लग गई जिसके पास अथॉरिटी हो कि वो AAA को पाकिस्तान में ला सके और गाड़ियों में कैमरा लगाने वाली कंपनी को अरेंज कर सके और ये फैसिलिटीज मुहैया कर सके, तो ये वीडियो बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज कर सकती है और बेहतर बना सकती है। सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगीबान।